बीच में खड़े हूँ, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज आप सभी लोगों का, आपका सबका साथ और एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान के अंदर हम लोग लेके आए हैं। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मंच को फायदा लेना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इमीडिएटली बात कह दूँ क्योंकि काका की खाद मिटाने में सारा को बहुत बहुत साथ मिले हुए हैं, सबको धन्यवाद है। और डोटासा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत मजबूती के साथ एक चुनाव लड़ा था अपन ने और जिस एग्रेसिवनेस के साथ में आज इस देश के अंदर एक विपक्ष की जरूरत है और उस रूप में अपन काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी आज कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है इसकी चर्चा दिल्ली तक ही नहीं देश के अलग अलग कोने के अंदर है कि आज विपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पास और मुख्यमंत्री तक के पास जवाब तक भी नहीं। ये अपने लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है मैं मानता हूँ और ये जागरूक नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान होती है और कार्यकर्ताओं की मजबूती होती है। हमारे सभी विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, जिनकी फील्ड पे बहुत अच्छी पकड़ है और उसके कारण ऐसे इश्यूज को रेज कर पा रहे हैं। मैं आज के इस मुद्दे पे इतना ही कहना चाहूंगा, देश के अंदर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और अभी जो लेटेस्ट खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के बाद में एक आम आदमी बड़ा चिंतित है इस बात को लेकर जो सेबी के मेन मुखिया है, अगर उनका भी नाम, आपने एक चीज महसूस करी कि पिछले कुछ सालों के अंदर काफी लोगों का पैसा आज की तारीख में स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत से लोगों का हर महीने टू महीना बढ़ता जा रहा है, ऐसे के अंदर इतनी बड़े संस्था के अगर मुखिया और उनके पति का नाम ऐसे रिपोर्ट्स में आना, ये मैं समझता हूँ देश के साथ में बैठे हुए करोड़ों निवेशकों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और बहुत सही मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट भी नहीं है, ये उन हजारों करोड़ों निवेशकों का आने वाले पैसे का भविष्य का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको मैं उठाना बहुत भी जरूरत थी। और मैं डोटासा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जयपुर के अंदर आपने इसकी शुरुआत करी है, आपका आदेश मिलेगा तो ये जिले भर तक जाएगी और ये आवाज उठनी चाहिए। और एक बहुत सही सोच के साथ में ऐसे माहौल में जहां पे हर एक एजेंसी को जेल में डालकर उसका मिसयूज किया जा रहा हो, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। और ये बांध को लेकर आज कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ राजस्थान का हमारे सभी एमएलए एमपी सब आए हैं और आपके अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रहा है, हम सब इसकी डिमांड करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, हालांकि सरकार पिछले दो महीनों में तीन बार तो मजबूर हो चुकी है कि घुटना का बल आई है और गला सरकार खड़े हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे और निकल के आएंगे। आज का विपक्ष इतना मजबूत है कि लोकसभा में जब कोई बात चलती है तो मैं समझता हूँ जो एक मुट्ठी भंग मजबूती दिखती है उसका फर्क आने वाले समय के अंदर देश की नीति में भी फर्क पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा ऐसे हर उस नीति के साथ में जहां उनकी मंशा छुपी भी होती है, क्लियरिटी नहीं होती, उन हर इश्यूज के ऊपर फोकस होकर चलेंगे। इन बीते हुए महीनों के अंदर किसान की बात जरूर करूंगा, जो हालात राजस्थान के अंदर बदलना सरकार ने बना दी किसानों की, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। चुनाव में वोट मांगने आए थे, मुरारी जी भी आए बताए उनको बात का, ईआरसीपी के नाम पे वोट मांगे गए और चूरू लोकसभा क्षेत्र में जो शेखावटी बैंड हमारा पूरा चूरू झुंझुनू सीकर तीनों के अंदर यमुना लिंक समझौते के नाम पे पैसे मांगे वोट मांगे गए और ये वादा किया गया कि यमुना का पानी लेके आएंगे। अचंभे की बात है लेकिन राजस्थान की सरकार के बजट में न भारत सरकार के बजट में कहीं पर भी इसकी चर्चा तक भी नहीं हुई और अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई टूटी को पानी छोड़ना जो आ जाए वो टाइम लागत तो टाइम लागत होगा। मुख्यमंत्री महोदय आपने तो आनंद फानंद में दिल्ली में मीटिंग करी और दिल्ली में मीटिंग करके हैंड ऑन आप तो जिलों में निकल पड़े थे और क्लेम करने लग गए थे कि पीने का पानी और सिंचाई का पानी यमुना लिंक के मार्फत से आ जाएगा, एक पैसे का भी आवंटन नहीं किया गया दोनों बजटों के अंदर, चाहे स्टेट का बजट हो चाहे सेंटर का बजट हो, आप किसानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हो और इसी के कारण राजस्थान की जनता ने आपको करारा जवाब इस चुनाव के अंदर देने का काम किया है। आज बिजली की हालत क्या है छोटा सा साहब मैं बताना चाहता हूँ, शेखावटी बेल्ट में हम झींगा मछली पालन करते हैं, झींगा मछली पालन के अंदर आज राजस्थान का शेखावटी एरिया और जहां पर भी खारा पानी है हम बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, पर हमारी मजबूरी है बिजली की दरें वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि पिछले तीन महीनों के अंदर 150 से ऊपर पॉइंट बंद हो गए राजस्थान के चूरू जिले के अंदर और वो पॉइंट बंद होकर हरियाणा चले गए।
और इसके ऊपर भी आलम रुका नहीं, इसी सरकार के अधिकारियों ने बिजली विभाग के अंदर चूरू के अंदर किसानों के, आपने पेनल्टियों के नाम तो सुने होंगे कि पेनल्टी कब्जा है, पर 50,000 लाख 1.5 लाख की तो पेनल्टी सुनी हुई थी। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों ने भी झींगा मछली पालन का काम किया, किसानों के पेनल्टियां कटी है। अध्यक्ष महोदय सुनकर चंबा करोगे, 38 लाख 47 लाख 56 लाख की पेनल्टी काटने का काम किया है तो इस भदनलाल की सरकार ने काम किया है। ऐसे में क्या किसान जिंदा रह पाएगा? 56 लाख की पेनल्टी आप काट रहे हो, किसान को मारने का काम कर रहे हो। ये किसान और किसानी जिस दिन जागेगी, 5 साल का समय बहुत दूर है। भदनलाल सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द तख्ता पलट कर दिया जाएगा अगर आप इस रूट पर चलते रहे तो। किसानों की आपने ऐसी हालत कर दी है कि आए दिन BCR के नाम पे ठगी बताई जा रही है। बीमा आज 1-1 साल ऊपर हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात साफ साफ कही गई थी कि हम 30 दिन से लेकर अंदर अंदर किसान का बीमा का क्लेम डिस्बर्स कर देंगे। आज चूरू लोकसभा का ही नहीं पूरे राजस्थान का बता देता हूँ, 2023 खरीफ का पूरा बीमा 1 साल हो गया, आज तक मिला नहीं है। और राजस्थान सरकार के अंदर में हालत यह है कि अधिकारी और मंत्री दोनों सोए हुए हैं, और भारत सरकार के मंत्री तो ये तक कहते हैं कि अगर किसान को बीमा टाइम पे नहीं मिला तो 12% ब्याज देंगे। 12%? क्या भदनलाल सरकार 12% ब्याज देने को तैयार है किसान को? मंच पे हाँ भरिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ भरिए, हम घर घर किसान ठोकरे खा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, बीमा क्लेम आ नहीं रहा। मैं बहुत से ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के परिवार के अंदर मैं एक हिस्सा बना हूँ, आप सबके साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब जब आप मुझे याद करेंगे साथी के रूप में, हमेशा आपका भाई खड़ा आगे प्यार मिलेगा और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे किसान के लिए, किसानी के लिए, उन हर उस मुद्दे के ऊपर जहाँ पे ये राजस्थान की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सरकार बना के दिल्ली में बैठे हुए लोग, ये इन लोगों को भी हम करारा जवाब देना काम करेंगे और हर उस मुद्दे के ऊपर मजबूती से अपनी बात रखेंगे। और आज हम इस ईडी के ऑफिस के आगे धरना कर रहे हैं, JPC की डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, जब तक JPC नहीं होगी पलने से ही पलटे नहीं जाएंगे। यूं ही कोई बात नहीं हो सकती। जो आज मीडिया को कंट्रोल तो कर लिया गया है, पर बहुत से पन्ने पलटने बाकी हैं। और JPC एक ऐसी बॉडी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी वो ताकत है जिन पन्नों को पलटेगी और इस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी कि कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में छुपा हुआ है। और अडानी जैसी कंपनियां, जिन कंपनियों के नाम के ऊपर जो हमारे को आज तो मंच पर तो नाम नहीं इसका, वरना हमारे राहुल गांधी जी ने एक बहुत नाम ठीक दिया था, A2 को इलाज या JPC कर्ज का है। और ये हमारी डिमांड बहुत मजबूती से अपना सारण रखनी है। सबने आप यहाँ आए हो, मुझे बोलने का मौका दिया है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।